बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की वीडियो पंजाब असम्बली के हलके PP28 गुजरात 1 सराय आलमगीर पर मुश्तमिल है। इस वीडियो में हम पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 2002, 2008, 2013, 2018 के इंतखाबी नतायज के अदाद व शुमार आपके सामने रखेंगे और इस हलके से इलेक्शन 2023 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों के बारे में तफसील से आपको आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। 2002 के आम इंतखाबात में पंजाब असम्बली के इस हलके से मुस्लिम लीग काफ के खालिद जवेद असगर ने 38,600 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की थी, जबकि पीपल्स पार्टी के नवाबजादा चौधरी मुजफ्फर अली खान ने 31,600 वोट लेकर दूसरी पोजीशन ली थी। मुतहदा मजलिस अमल के मोहम्मद अयूब खान तीसरे और मुस्लिम लीग नून के शबीर अहमद 2100 वोट के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। 2008 के इंतखाबात में इस हलके से खालिद जवेद असगर ने 46,700 वोट लेकर मुसलसल दूसरी बार कामयाबी समेटी थी, जबकि पीपल्स पार्टी के नवाबजादा मुजफ्फर अली खान इस बार भी 23,300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ तीसरे और शब्बीर अहमद हसब ममूल चौथे नंबर पर रहे थे। 2013 के आम इंतखाबात में नवाबजादा हैदर महदी ने मुस्लिम लीग नून के टिकट से 32,300 वोट लेकर रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शजाहत नवाज़ 29,500 वोट लेकर दूसरे, आज़ाद उम्मीदवार ज़ुबैर अहमद खान तीसरे और चौधरी नवीद असगर चौथे नंबर पर रहे थे। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ के शजाहत नवाज़ 56,434 वोट लेकर पहले नंबर पर रहते हैं, जबकि नवाबजादा हैदर मैदी इस बार 41,432 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहते हैं, जबकि तहरीक लब्बै के हाफिज मोहम्मद फ़रख नदीम 32,605 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहते हैं और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद रफीक कटाना 1,625 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहते हैं। याद रहे, इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की थी। 2023 के आम इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली के हलके PP28 गुजरात 1 सराय आलमगीर से कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में चौधरी अरशद एडवोकेट जो मुमकिन तौर पर PTI के उम्मीदवार होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से राजा मोहम्मद असलम खान, तहरीक लब्बैक की तरफ से सूफी राजा मोहम्मद अफजल, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से हाजी बशारत अली लंगड़ियाल, जमात इस्लामी की तरफ से मलक अली रजा वाहिद, पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानब से राशिद अली सयाल और चौधरी मनाजर हसैन एडवोकेट समेत 20 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के बाद 14 मई 2023 को पंजाब असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा। मैं उम्मीद करता हूं यह मेरी मुख्तसर सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। 2018 इलेक्शन के पंजाब असम्बली के डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन वाइज रिजल्ट्स और 2023 के सर्वे पर हमारी वीडियो देखने के लिए यहां दाएं जानब क्लिक करें, जबकि पंजाब असम्बली की वीडियो सीरीज़ में दूसरी वीडियोस देखने के लिए यहां बाएं तरफ क्लिक करें। हमारी अगली वीडियो PP29 गुजरात 2 पर मुश्तमिल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह।